हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खाली और बेरोजगार हूं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि मैंने एक नया काम शुरू किया है। आज से मैं समाज का ठेकेदार, और समाज जा रहा है काले कुएं में, समाज खड्डे में कूद रहा है। हमको ये जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी, समाज की सुरक्षा करनी पड़ेगी। उर्फी जावेद के रातों रात फेमस होने वाले आइडिया की तो हम चर्चा कर ही रहे थे, अभी तक उसको ठीक से डिसाइफर किया नहीं गया। लड़कियों ने एक और फॉर्मूला निकाल लिया रातों रात फेमस होने का, और इसमें लड़कियों को ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। एक मोबाइल दो, इंटरनेट का रिचार्ज कराओ, वीडियो रिकॉर्ड करो, और वीडियो में गंदी गंदी बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दो। और जब तुम गंदी गंदी बहकी बहकी बातें करोगे तो होगा क्या, वही होगा जो पहले होता है। सिंप एनर्जी उस वीडियो के नीचे इकट्ठी हो जाएगी, लौंडे लाइन पे लाइन लॉन्ग कमेंट पे कमेंट मारेंगे, तो रातों रात उस भोली भाली अनजान कन्या को रानी बना देंगे, क्वीन। नीचे कितने लौंडे तो होते हैं, क्वीन यू ड्रॉप योर क्राउन, ये वो फलान ढिकान, ये चल रहा है भाई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार हो रहा है, मतलब कितनी ही लड़कियों के साथ हो रहा है, किसी को कोई शर्म नहीं है। कौन कहाँ खड़ा है, इस लड़की को देखो, जवानी तेरी अगर दादाजी ऊपर बैठ के नीचे की तरफ देख रहे होंगे ना, तो दादाजी की आंखों से ये मोटे मोटे आंसू टपक रहे होंगे। दादाजी की फोटो लगी हुई है वहां पे, थोड़ा कैमरा उधर घुमा ले, उसको कुछ पड़ी नहीं है किसकी फोटो कहाँ लगी है, कौन घर में कहाँ पड़ा है, कोई घर में रहता है कि नहीं रहता है, वो कमरे में बंद रहती है तो, और दिन रात वो कॉपी पे आइडिया लिखती रहती है, इंटरनेट पे फेमस कैसे हो जाऊं, उसे नहीं पता दादाजी की फोटो पीछे लगी है। और दादाजी स्वर्ग में हो चाहे नरक में, मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद दादाजी ऊपर से श्राप जरूर दे देंगे। बैड एक्सपीरियंस शेयर करने की उम्र में बैड एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इसे देखो यार, ये कोई राशु डोरबरियाल पता नहीं ऐसा कुछ नाम है इसका, इसने इंस्टाग्राम पे ना जीना आराम किया हुआ है। इसके जोक ना 18 प्लस भी नहीं होते हैं, इसके जोक्स होते हैं सीधे 35 प्लस। मुझे भी समझ नहीं आता, एक जोक में बोल रही थी ऊपर के लिप्स नीचे के लिप्स, मुझे समझ नहीं आया कितनी देर ऊपर के लिप्स नीचे के लिप्स बोलना क्या चाह रही है। फिर मैंने ओ बहन चूत, इतनी गंदी बात क्यों भाई, क्योंकि फेमस होना है, फेमस होने के लिए इतना कुछ करना जरूरी नहीं होता। शर्म कर लो, समाज को कहां लेके जा रहे हो तुम लोग। इसी समाज में एक और पुरुष है जो सिंधबाद जहाजी जैसी मुश्किल जिंदगी जी रहा है। ऐसा लगता है कि हर लौंडे के पीछे यूनिवर्स ने थैनोस छोड़ रखा है, उसकी गांड पे सुलेमानी तलवार लटकाने के लिए। जिम्मेवारियां, पढ़ाई की जिम्मेवारी, काम की जिम्मेवारी, फैमिली का लालन पालन पोषण करना है, और लड़कियां मोबाइल दिया, गंदे गंदे रील्स बनाए, गंदे गंदे जोक सुनाए और फेमस हो गई, प्रमोशन आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, पैसा आ रहा है भाई। उसके बाद फिर पैसा आने के बाद और बकचोदी शुरू। उसके बाद भी ये नहीं है कि जैसे एक लौंडा क्या होता है, सफल होता है तो क्या करता है, एक लड़की से शादी करता है, घर बसा लेता है। और लड़की अगर सक्सेसफुल हो जाए तो ऐसा नहीं होगी कि कोई बेरोजगार सा लड़का उठा से शादी कर ले, नहीं, उसके बाद उसको नए नए रिलेशनशिप बनाने हैं, 10 रिलेशनशिप बनाने हैं, 20 रिलेशनशिप बनाने हैं, सेक्स पे एक्सपेरिमेंट करने हैं, वर्ल्ड घूमना है। अरे भाई ढंग का काम करो, देखो पुरुषों को कभी, तुमको बड़ी पुरुषों से कंपटीशन करना है ना, तो पुरुषों का कंपटीशन ठीक से करो ना, जो पुरुष करता वो काम करो। जैसे सक्सेसफुल होती हो किसी लड़के से शादी करके उसके साथ घर बसा लो, कितना मुश्किल है समझना। What did I just teach you? बहन चोहन। ये क्या है, पिछले 20 साल से यही चल रहा है, कोई भी इंडियन थोड़ा सा फेमस हो जाए, किसी विदेशी से मिले उसको क्या सिखाएगा ये बहन चोद। अरे इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, तुम्हारे पास गाली बची है सिखाने को लोगों को। लो अर्थशास्त्र की बातें कर लो, चाणक्य की बातें कर लो, अशोका की बातें कर लो, गुस्सा आ रहा है यार, मतलब इतना कुछ है। ये देख लो यार कितनी गंदी गंदी बातें कर रही है ये शरीफ आदमी, मेरे जैसा शरीफ आदमी इसको देख के क्या महसूस कर रहा है, पता है तुमको कितना गंदा फील होता है, मतलब क्या क्या देखना पड़ रहा है। मुझे लगा इतनी खूबसूरत लड़की है, पता नहीं क्या अच्छी सी बात बोलेगी, डोंट मेक हर क्राई, लेकिन आगे क्या लिख रही है भाई, ये पागलपन है। तुमको फेमस होने के लिए ये सब करने की जरूरत थी नहीं, कुछ और कर लेती, डांस करना शुरू कर देती, गरबा कर लेती। लड़की को तो नाचना भी ना है ना, बस ऐसे यूं ठुमक ठुमक करते हुए वीडियो डाल दे इंटरनेट पे, उस पर भी 2 मिलियन व्यूज 3 मिलियन व्यूज। मेरे जैसा लौंडा बकचोदी कर करके मर जाए, कोई व्यूज ही नहीं आएगा, 500 से ऊपर व्यूज नहीं आते हैं भाई साहब। लड़की के लिए इंटरनेट पे फेमस होना उतना ही मुश्किल है जितना चाय बनाना है, पानी डाला, चीनी डाली, पत्ती डाली, दूध डाला, हो गया, बन गई चाय। और लड़कों के लिए, पुरुष जात के लिए इंटरनेट पे फेमस होना ऐसा है जैसे अकेले थैनोस की गांड पे हाथ लगा के भागना हो बिना एवेंजर्स के, समझ रहे हो कितना मुश्किल है ये। किसने बनाया रूल यार, कौन बोल रहा है जितनी गंदी बात है उतनी पक्की दोस्ती नहीं, मेरे जितने भी अच्छे अच्छे दोस्त हैं ना, हम सब बैठ के वहाँ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फ्यूचर में क्या करेंगे, बिजनेस कैसे करना चाहिए, विदेश जाएं कि नहीं जाएं, इंडिया में रहे, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या करेगी, क्या सरकार बदल सकती है, या फिर ब्लैक होल कैसे किसी ग्रह को खा जाता है, या फिर यूनिवर्स कितना एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स का नाश कब होने वाला, भगवान धरती पे वापस कब आएंगे। इंस्टाग्राम की टीएल तो सरकारी शौचालय जैसी होती है, यूं लिबड़ तिबड़ सब जगह कुछ कुछ गंदा गंदा चिपका हुआ है, हर जगह गंद फैला रखा है। तुमने किसने बोला, किसने रूल बनाया ये बहन चोद।
इसका ये वाला रील देखने के बाद ना मैं टेंशन में चला गया था कि बेड क्यों तोड़ता है कोई आदमी, बेड क्यों तोड़ेगा, बेड नहीं लाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, पुरुष किस एंगल से सोचता है, पुरुष सिर्फ इस एंगल से सोचता है कि घर कैसे चलेगा, पैसे कैसे जोड़े जाएंगे, पैसे खर्च कैसे किए जाएंगे, पैसे को बचाया कैसे जाएगा, उसके ऊपर जिम्मेवारियां, और इसके दिमाग में ये गंद चल रहा है रात को। समझ रहे हो तुम, दिन में रात में इसके सारी रील्स में सेक्स 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 की बातें, मतलब सेक्स उसकी बातें करती फेमस होना है इसको। भाई ये जोक इस पे ना NSFW मार्क होना चाहिए इंस्टाग्राम को, इसको मार्क कर देना चाहिए कि ये बच्चों के लिए नहीं, एक्चुअली ये 18 प्लस के लिए भी नहीं, ये 35 प्लस के लिए। मुझे भी ये जोक एक बार समझ नहीं आया था, मैं सोच रहा था अदरवन ये क्या बोलना चाह रही है, और फिर मुझे समझ आया कि ये कितनी अश्लील गंदी बातें कर रही है इंटरनेट पर। लेकिन इस समाज में 27,652 ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं, जिन्होंने इसको डिसलाइक कर रखा है। मैं बता रहा हूँ, देखो तुम लोगों को ये समाज को गलत रास्ते पर लेके जा रही है। ये फेमस होने के लिए जो तरीका ये लोग अपना रहे हैं ना, दिस इज नॉट गोइंग टू एंड वेल फॉर इंडिया और फॉर सोसाइटी। एंड चुद बंद करवाओ ये सब क्या हो रहा भाई। पॉलिटिक्स पे और रिलीजन पे लोग बड़ा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए, ये करना चाहिए। इंटरनेट पे इन लोगों ने जो गंद मचा रखा है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इसकी और भी मैं तो बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी को कम से कम 3 घंटे बहस करनी चाहिए इस पे कि यार इंस्टाग्राम पे हो क्या रहा है, बंद कर दो, जेल कर दूं आज रात के 8 बजे जो इंस्टाग्राम पे गंदे गंदे पोस्ट कर रहा है, उसकी गैन तोड़ दी जाएगी। ऐसा कोई नियम आना चाहिए ना भाई, ऐसे तो समाज की। खैर चलो, मेरे लिए बस, मेरे को टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, बाय, जा रहा हूँ मैं।